प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान को लेकर अभी चर्चाओं का बाजार गर्म है और इसकी वजह भी बड़ी अजीब है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर ही पठान की नेगेटिव डिस्कशन की असल वजह है। दरअसल फिल्म की हीरोइन दीपिका पादुकोण को एक बड़ी भद्दी ड्रेसिंग करवाकर शाहरुख खान ने पहले तो उसका रंग भगवा रखा और गाने का नाम बेशरम रंग रख दिया। साफ लफ्जों में कहें तो भगवा या सनातन धर्म को बदनाम करने की ये शाहरुख की बड़ी साजिश है, ऐसा हिंदू संगठनों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। अब फिल्म का विरोध करने वालों में अयोध्या के महंत राजू दास का भी नाम आ गया है। उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म पठान का बहिष्कार करने की अपील करते हुए दर्शकों से कहा है कि जिस भी थिएटर में शाहरुख खान की फिल्म पठान का प्रदर्शन हो उसमें आग लगा दीजिए। अयोध्या के महंत राजू दास ने आरोप लगाया है कि पठान फिल्म में सनातन धर्म का मजाक उड़ाया गया है। महंत राजू दास ने कहा कि बॉलीवुड और हॉलीवुड लगातार सनातन धर्म का मजाक उड़ाने वाली फिल्मों का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदी देवी देवताओं का अपमान करने के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। खैर, पठान मूवी अगले साल की शुरुआत में ही रिलीज होने की तैयारी है। अब ये भगवा रंग कॉपीराइट ले रखे लोगों का बायकॉट पठान ट्रेड कितना कामयाब साबित होता है ये तो फिल्म के रिलीज के बाद ही पता चलेगा। बॉलीवुड और हॉलीवुड लगातार इस प्रयास में रहता है किस प्रकार सनातन धर्म संस्कृति की मजाक उड़ाए, हिंदू देवी देवता का किस प्रकार से अपमान किया जाए, साधु संतों का रंग या राष्ट्र का रंग या देश का रंग सनातन संस्कृति का रंग भगवे का जिस प्रकार से पठान पिक्चर में दीपिका पादुकोण के द्वारा एक बिकनी के रूप में हमारे आत्मा की ठेस पहुंचाई जा रही है, ये बहुत दुखद है। मुझको लगता है देश के लमसम 100% लोगों के मन में भाव है कि जिस प्रकार से शाहरुख खान लगातार एक नहीं अनेक बार ऐसे सनातन धर्म संस्कृति की मजाक उड़ाने में सहभागिता उनकी रही है, तत्काल देख लीजिए दीपिका पादुकोण क्या जरूरत था भगवा वस्त्र उस प्रकार से विकनी के रूप में पहनकर और नंगा प्रदर्शन करना, या आशा से ठेस पहुंचाना हो गया और कुछ नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं दर्शकों से कि ऐसे पिक्चर का बहिष्कार करो, जहां भी जिस थिएटर में लगे उसको फूंक दो, नहीं फूंकोगे तो ये मानने वाले नहीं है। जैसे को तैसा करना पड़ता है, दुष्टों के साथ जब दुष्टता पूर्व व्यवहार नहीं करोगे तो इसके ऊपर कंट्रोल आप नहीं लगा सकते। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।